चैनल फूड मैप जयपुर। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आज इंडियन क्यों पहना है। आज की पूरी वीडियो में मैं हिंदी में क्यों बात कर रही हूँ, बट ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज हम बना रहे हैं एक इंडियन डिश। पनीर बटर मसाला एक ऐसी डिश है जो इंडिया का हर हाउस होल्ड में बनती है, बट आई एम अश्योर यू गाइस, जब भी पनीर बटर मसाला हमारे घर में बनती है सब लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो पनीर बटर मसाला एक ऐसी डिश है जो हमारे घर की बहुत ही अच्छी बनती है और इसलिए मैं आज वो रेसिपी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपको पता चलेगा जब आप रेसिपी एंड तक देखेंगे। सारे मेजरमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन सी दैट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, इफ यू ट्राई इट एट होम कॉमेंट डाउन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स गेट गोइंग। आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं प्याज, टमाटर, पनीर, काजू, मलाई, दोनों तरह की मिर्ची, बटर, हींग और कुछ मसाले जो कि मैं आपको बताऊंगी जैसे कि हम उसे डालते जाएंगे उसी ऑर्डर में। सबसे पहले हमने एक ओपन पैन लेके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके बाद हमने उसमें डाला जीरा और हींग। जब जीरा की फूटने की आवाज़ आपको आने लगे तब आप डालें उसमें थोड़ा सा हींग। उसे तब तक खिलाएं जब तक आपको पूरी उनके फूटने की आवाज़ें ना आने लगें। उसके बाद आप उनमें तड़के के लिए डालेंगे सूखी लाल मिर्ची, इससे एक बहुत ही अच्छा तड़का आएगा आपकी सब्जी में। और आप डालेंगे काजू। काजू एक बहुत इंटीग्रल ज़रूरी महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी सब्जी का। और अब आप इसे हिलाते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ा और गर्म हो जाए काजू और हमारी हींग और जीरा फूटने की आवाज़ आने लगे। जिसके बाद हमने इसमें डाला थोड़ा सा लहसुन, थोड़े से प्याज और फिर हमने इसे तब तक हिलाया जब तक प्याज का कलर बदल के गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं लहसुन, काजू और प्याज तीनों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। हमें उस टाइम तक के लिए इसे हिलाते रहना है जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बहुत ही सारे टमाटर। अभी हम हमारी पनीर बटर मसाला की ग्रेवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिएगी प्यूरी, जिसके लिए हमने इसमें साबुत बड़े कटे हुए टमाटर डाले हैं और थोड़ा सा नमक। इसके बाद आप इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर और साइड में आप पनीर के ऊपर थोड़ा सा कलर और पानी मिलाकर उसका पेस्ट डालेंगे ताकि पनीर में हम वो कलर आने के लिए उसको भी साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ आप एक कटोरी में थोड़ा सा दही लेके उसमें सारे मसाले डालेंगे। मसालों के नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, बट हमने इसमें डाला है, इन मसालों में हमने डाला है नमक, मिर्ची, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी और धनिया पाउडर। हमने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है और ये मैरिनेशन भी हम आप साइड में रख देंगे। इतने में हमारी प्यूरी के लिए सारी सब्जियां पक चुकी होगी तो अब हम इन्हें धीरे से एक मिक्सर ग्राइंडर में लेंगे और उसके बाद अच्छे से इनको पीस देंगे जब तक कि एक सॉफ्ट और स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। जिसके बाद हम वापस से एक साफ पतीला लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इस ऑयल के बाद हमें इसमें डालना है बटर, क्योंकि इस डिश का नाम ही पनीर बटर मसाला है तो बटर में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे वो मैरिनेशन जो हमने बना के साइड में रखा था। इस मैरिनेशन को ऐड करने से इस बटर का कलर चेंज हो जाएगा और हमें हमारी पनीर बटर मसाला की स्टार्टिंग ग्रेवी मिल जाएगी। जिसके बाद हमने इसमें डाला वो प्यूरी जो हमने बनाई थी टमाटर और प्याज से, उस प्यूरी को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि वो अच्छे से मिक्स होके कलर ना पकड़ ले और हमारी पनीर बटर मसाला सुंदर न लगने लगे। इसके बाद हमने इसमें डाला थोड़ा सा पानी ताकि इस ग्रेवी थोड़ी सी बढ़े और थोड़ी सी पतली हो जाए। उसके बाद हम इसे ढक के 15 मिनट पकने देंगे। हमने साथ में थोड़ा सा कलर वाला पानी भी डाला है जो कि अभी हमने बताया था। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक
थोड़ा सा केचप, जिससे थोड़ा सा मीठापन आएगा। और ये है इस डिश का सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि किसी को नहीं पता, बट मेरी मम्मी की स्पेशल सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो उनके पनीर बटर मसाला को इतना अलग बनाती है, मिल्क पाउडर। और अब हमने डाली इसमें काफ़ी सारी फ्रेश मलाई, जिसके बाद हमने जो पनीर रखे थे कलर लगा के, वो हमने इस ग्रेवी में डाल दिए। और अब हम इसे ढक के रख देंगे तैयार होने के लिए 10 मिनट। Hi guys, if you watched this video till the end, thank you so much for watching it. I hope you liked the recipe and you try it at your home. Definitely let me know if you could find out what the secret ingredient was, which you never knew even was added to paneer butter masala. Sorry guys, मैं वीडियो के एंड तक फिर से इंग्लिश में स्विच कर गई हूँ, क्योंकि habits, but we gotta change, you know. So, sorry. Back to the point. Thank you so much. Have a good day.